हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं प्लांट लेके आया हूँ उसका नाम है कॉन्फिडरेट रोज़, और जिसे कॉटन रोज़ भी कहते हैं और रोज़ मेलो के नाम से भी जानते हैं, जिसे मैंने करीबन 6 महीने पहले लगाया था गमले में, और ये काफ़ी अभी बड़ा हो गया है। और फ्लावरिंग से पहले इसमें जो हम लोग 5 ग्राम जो हैं DAP डालेंगे, जिससे इसकी फ्लावरिंग अच्छी हो और ये अच्छे से फ्लावर करें। कार्टन रोज़ को आप सीड से लगा सकते हैं, हालांकि ये कटिंग से भी लग सकता है। 6 घंटे की जो है धूप इसको ज़रूरत पड़ती है। आने के लिए जो सॉइल होगी वो सैंडी लोम होगी, और pH जो है वैल्यू जो है 6 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। जो फूल होता है वो अर्ली मॉर्निंग में वाइट कलर में खिलता है और 3 तक आते आते पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और लेट इवनिंग में रेड कलर हो जाएगा। कॉटन रोज़ का जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर का होता है, और जब ये थोड़ा फेड करने लगता है तो इसका कलर बदल जाता है। और ये कॉटन रोज़ में जो है अच्छे से फ्लावरिंग होने लगी है, वाइट फ्लावर खिल रहे हैं इसमें। बड़ा ही खूबसूरत वाइट फ्लावर खिलता है इसमें। काफ़ी बड़ा फूल होता है, लगभग करीबन एक दिन के बाद जो है इसका कलर जो है बदल जाता है, फेड होने लगता है, तो इस तरह कलर हो जाता है। और फूल के सूखने के पश्चात देखिए सीड भी बन जाती है, इसमें सीड पॉट बन रहा है। जब फ्रेश फ्लावर खिलता है तो वाइट कलर का देखिए होता है ये। और विंटर में थोड़ा नेक्स्ट डे जो है ये इसका कलर जो है पिंक कलर में चेंज हो जाता है। काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है इसमें, अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पाँच से 10 ग्राम DAP डालेंगे 1 महीने में फ्लावरिंग के समय, तो अच्छी फ्लावरिंग करेगा।